ये है दिल्ली दर्पण। कोरोना ने बढ़ाया दिल्ली में शादी समारोह पर संकट। केवल 50 लोगों की अनुमति पर बैंक्वेट मालिक बेहद। दुल्हा दुल्हन और एक परिजन भी परेशान। कार बट चुके, किसे बुलाएं और किसे मनाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। शादी समारोह में केवल 50 लोगों के गैदरिंग की ही अनुमति होगी। सरकार के इस फैसले ने बैंक्वेट मालिकों की ही नहीं, उन लोगों की भी नींद उड़ा दी है जिनके यहां आने वाले दिनों में शादियां हैं। कितनी शादियां, कितने असर इस पर पड़ेगा, बैंक्वेट वालों को इस पर कितना असर पड़ेगा या उन परिवार वालों पर इसका कितना असर पड़ेगा जिन्होंने कार्ड दे दिए हैं, लोगों को निमंत्रण भेज दिए हैं। हमारे साथ है मदन जी, आपको क्या लगता है कितना असर बैंक्वेट इंडस्ट्री पर इससे पड़ेगा? सर, ये इससे तो बैंक्वेट इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जो हम सोच रहे हैं कि 200 बंदे का 17 नवंबर तक हमने बुकिंग जो करी लोगों की, लोगों के कार्ड भी छप गए, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए, अब आके 18 नवंबर शाम को हमें नोटिफिकेशन मिलती है कि आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते। और वो 50 में भी आज हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि जो बंदे आपके काम करने वाले उनको भी हम 50 में ही गिनेंगे। तो ये तो एक ऐसा फरमान निकला है, तुगलकी फरमान ही कहेंगे हम तो, कि जो इंडस्ट्री जीरो करने के लिए पिछले 7 महीनों से सब स्टाफ को घर बैठ के सैलरियाँ दे रहे हैं। अभी सब स्टाफ हमने बाहर से वापस बुलाए हैं, वो फिर वही बात हो गई कि हमें सैलरियाँ तो देनी है उन्हें, तो लेकिन हमें काम नहीं, हमें आएंगे नहीं पैसे, तो ये डिस्प्यूट ही पड़ेंगे। फिर जो हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं, सारे जो गेस्टों ने बुकिंग कराई हुई है उनसे हमारे झगड़े हो रहे हैं। उन्होंने तो पेमेंट की एडवांस मांगते हुए हमने डीजे वाले को, डेकोरेशन वाले को, ग्रोसरी वाले को, स्टाफ को, तो ये तो कोई ऐसा काम, कोविड-19 में तो हम साथ में हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हम भी उसी में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे हल 15,000 फुट के हैं, उसमें हम 600 बंदे तक की गैदरिंग कर सकते हैं। हमें तो 2 मीटर गज की जगह 2 मीटर पे दे दें, 3 मीटर के पे कर दें हम सोशल डिस्टेंस बना के, मास्क पहनवा के, सैनिटाइज़र पूरा यूज़ करके, पूरे हॉल को सैनिटाइज करके यूज़ करेंगे। अगर कोई वायलेंस करता है उसके लिए उसको दंडनीय है, वो दंड देना चाहिए, बट ऐसे ही सबको एक मापदंड में तोल देना और इमीडिएट फरमान निकाल देना तो ये इंडस्ट्री ख़त्म करने का ही लग रहा है हमें। लोग भूखे मरेंगे, कम से कम 5-6 लाख फैमिलियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं, जो ये 20 दिन का काम है, ये पूरा साल निकलता है, सीज़न में अगर ये निकल गया तो पूरा एक साल बर्बाद है। इसके बाद मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है तो ये इंडस्ट्री बैंक्वेट तो ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको। हमारे बहुत सारे लोगों से बात हुई जिनका कहना था कि बाजार खुले हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी बाजार हैं हजारों की भीड़ वहाँ पर रहती है, इस तरह का माहौल जब बाजारों में हो सकता है तो बैंक्वेट वाले तो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, ये अव्यवहारिक है इस तरह का प्रतिबंध? आपके मीडिया की तरफ से, यही मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि बाजारों में एक बार मैं भेजता हूँ आपको वीडियो, कैसे बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, विदाउट मास्क हैं, सब ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे तो एक 10,000 फुट वाले, 15,000 फुट वाले 200 बंदे की गैदरिंग कर रहे हैं, वहाँ तो 10-10 फुट का गैप है, 2 गज का जो कह रहे हैं तो 10-10 गज के गैप पे फंक्शन है, 200 कर करते हैं, तो उसमें भी अगर ये बैन लगा देंगे तो फिर तो 50 बंदों में तो हर बैंक्वेट पल्ले से ही पैसे लगा के गेस्ट को सेटिस्फाइड करेगा। और तो ये इससे तो यही है कि सब बैंक्वेट एसोसिएशन वाले तो यही कर रहे हैं कि सारी चाबियां उठा के या तो दिल्ली सरकार के छोड़ेंगे तो या LG ऑफिस में छोड़ेंगे। आप मिले भी होंगे सभी जगह से, केंद्र सरकार के नुमाइंदों से, दिल्ली सरकार के नुमाइंदों से, क्या आपने कहा है, अपने ग्राउंड दिया है और क्या आपको भरोसा मिला? हमें तो अपनी गाइडलाइंस बना के दी हैं कि एक अगर कोई 50 बंदे का बैंक्वेट है वो भी 50 करे, एक किसी का 500 बंदे का कैपेसिटी है उसके हाल की वो भी 50 करे, किसी की 15,000 फुट 20,000 फुट की कैपेसिटी है वो भी 50 करे। तो हमने तो अपनी गाइडलाइंस दी है उनको, भैया इनको 2 मीटर पे कर दो, 3 मीटर पे कर दो, कोई वायलेंस करता है तो वो दंड दो उसको, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतनी मोटी बात
क्यों नहीं समझ में आ रही? क्या लगता है आपको, सोच में कमी है, कहीं नीयत में कमी है, क्या लगता है? हम इस पे तो कोई नहीं कहना चाहेंगे कि किसी की नीयत में कमी, नीयत तो कोविड 19 आया हुआ है, वो तो भगवान की तरफ से है। और हम बिल्कुल, इससे पहले जब हमारे खाली पड़े थे तो हमने तो हॉस्पिटल के लिए भी अपने बैंक्वेट दे दिए थे, हम तो पीछे हटते ही नहीं। हमें जो 20 दिन दिए जाएं, जो 25 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक का हमें काम करने दिया जाए और पूरे हम मापदंडों पे उतरेंगे और 200 बंदे की गैदरिंग खोली जाए, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारी चाबियां लेके आप यहाँ हॉस्पिटल बनाओ, कुछ बनाओ, हम तो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। तो अगर नहीं लेते हैं तो क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं? मैं तो फिर ये इंडस्ट्री को जीरो होते देख रहा हूँ अगर ये नहीं करेंगे तो। ये अब दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी रहेगी या सेंटर की रहेगी, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये इंडस्ट्री जीरो है। यहाँ 90% तो बैंकॉट किराए के हैं, लैंड पहले लैंडलॉर्ड से झगड़ा पड़ा हुआ है, फिर गेस्टों से झगड़ा पड़ा हुआ है। अब ये 20 दिन अगर नहीं निकले तो कई लोग इसमें सुसाइड भी कर सकते हैं, जो मैं देख रहा हूँ दूर की, तो वो भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी ना। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी प्रार्थना यही दिल्ली गवर्नमेंट से भी करना चाहूँगा, LG साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इसको 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक खोल दिया जाए, क्योंकि हमने जो अप्रैल मई जून के फंक्शन थे उसको शिफ्ट किया है सभी ने आके नवंबर दिसंबर में। अब जब नवंबर दिसंबर में नहीं हुए तो 50% तो रिश्ते ही टूट जाएंगे, जो हम देख रहे हैं। इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं हम देख रहे कि अगर ऐसा चला तो। बिल्कुल साफ कहना है कि इसका असर न केवल बैंकवेंट इंडस्ट्री पे पड़ेगा बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ेगा। जिस तरह बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में 200 कैपेसिटी के हिसाब से कार बांटे गए हैं, अब उनकी दिक्कत यह है कि किसे बुलाएं, किसे मनाएं। तो ऐसे ही हम किसी परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस फरमान के बाद उसकी क्या हालत है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।